प्लेट में हम दो किशमिश समोसे रख लेंगे और इसके ऊपर हम इमली की चटनी डाल देंगे। अब इसमें हमने ये चने बनाए ये डाल देंगे। चलो जी हमारे ये समोसा चना चाट रेडी है, खाने के लिए रेडी है। बिल्कुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है समोसा चना चाट रेसिपी। तो सारी चटनियाँ मैंने घर में तैयार की हैं, मैंने चने भी घर में तैयार किए हैं, मैंने रायता भी, इमली की चटनी भी मैंने घर में तैयार की है। तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखना। और तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। चने समोसा चाट बनाने के लिए हम चने तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने चूल्हे का फ्लेम ऑन कर लिया है और फ्राई पैन चढ़ा दी है। और अब 3 से 4 खाने के चम्मच हम ऑयल ले लेंगे। अब इसमें हम ग्राइंड किया हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को हम हल्का फ्राई करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, और इसको पिंक फ्राई करेंगे। तो उसे हमें 2 से 3 मिनट लगेंगे फ्राई करने में। प्याज को हमें इतना फ्राई करना कर लिया है, अब ये इतना ही इसको फ्राई करना था। अब इसमें हम लहसुन डाल देंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अब इसको भी हम 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। अब हम इसमें स्पाइसी डाल देंगे, तो सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। अब इनको भी हम 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। अब इसको हमने 2 मिनट फ्राई कर लिया। अब इसमें चने ऐड कर देंगे। और साथ ही हम इसमें जो ग्राइंड किए हुए चने हैं वो डाल देंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। अब इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इनको हम 2 से 3 मिनट पका लेंगे ताकि इसका पानी जो है ना अच्छी तरह पक जाए। अब चने हमारे रेडी हो गए हैं। ये देखिए इस तरह के हमें चाहिए, ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा पतले। तो इस तरह के हो गए हैं रेडी। जब आप इनको समोसों के ऊपर डाल के खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। चने हमारे रेडी हो गए हैं। ये देखिए कितने अच्छे हैं, ये समोसा चाट के लिए हमने रेडी किए हैं। समोसा बनाने के लिए हमने अब समोसा की डो तैयार करनी है। उसके लिए मैंने 1/2 किलो ये मैदा लिया है, ये डाल देंगे। 1 चाय के चम्मच मैंने ये नमक लिया है और 1/2 चाय के चम्मच मैंने अजवाइन ली है, ये भी डाल देंगे। अब इनको मिक्स करेंगे। अब 100 ग्राम के करीब मैंने ये ऑयल लिया है, ऑयल या घी आप दोनों में कोई भी ले सकते हैं, ये डाल देंगे। अब इनको हाथों की मदद से हम मस लेंगे। ये देखिए इसको हम सारी चीज़ों को ऑयल को मैदे के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। ये देखिए अब इस तरह का हो गया, ये देखिए ऐसे हाथ में, ये देखिए हमारी बिल्कुल ये रेडी है, ये मिक्स हो गया। अब इसमें हम पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी लेंगे इसमें। अब इसको हम अच्छी तरह मिला लेंगे। हमने इसको ज़्यादा पतला नहीं करना, हमने इसको सख्त डो इसकी तैयार करनी है। इसमें इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके इसलिए डाल रहे हैं कि हमारी डो पतली ना हो जाए। हमने इसको टाइट गूंद ली है ताकि हमारे समोसे बहुत अच्छे फिर बनेंगे। अब इसको 15 मिनट के लिए हम रेस्ट पे रख देंगे। समोसे का मसाला बनाने के लिए हमने फ्राई पैन चढ़ा दिया है चूल्हे पे। अब इसमें हम 2 से 3 4 चम्मच ऑयल डालेंगे और इसमें बारीक कटा हुआ 1/2 प्याज डाल देंगे। अब इसको हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। प्याज हमारा फ्राई हो गया, इसको हमने 2 से 3 मिनट तक फ्राई किया है। अब इसमें हम सारे मसाले 1 चाय का चम्मच चाट मसाला है, 1/2 चाय का चम्मच ये हमने काली मिर्च पाउडर ली है, 1 चाय का चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर ली है और 1 खाने का चम्मच हमने नमक लिया है, ये भी डाल देंगे। और साथ ही हम ये हरी मिर्च कटी हुई डाल देंगे। अब इनको ही हमें 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे।
अब ये मसाला हमारा फ्राई हो गया। अब इसमें मैंने दो अदर ये आलू लिए हैं, इनको हाथ से मोटा मोटा मैंने ये तोड़ लिया, ये डाल देंगे। अब चूल्हे का फ्लेम हम बंद कर देंगे, अब इनको मिक्स कर लेंगे। साथ इसमें हम हरा धनिया कटा हुआ डाल देंगे। मसाला हमारा रेडी हो गया है, अब हम इसके समोसे तैयार करते हैं। लो के हमने पेड़े तैयार कर लिए, अब इसके समोसे तैयार करते हैं। अब इसको हम ओवल शेप में इसकी शेप बना लेंगे, इसको बेल लेंगे। चलो जी, ये हमारी ओवल शेप में पट्टी हमने रोटी तैयार कर ली है, ये देखें। चलो जी, पट्टियाँ हमारी रेडी हो गई हैं, अब इनको काट लेते हैं। अब इक्वल साइज में इनको काट लेते हैं। अब पट्टियाँ हमारी रेडी हैं, अब इनके समोसे तैयार कर लेते हैं। तो ये पट्टी में हम पानी लगाएंगे थोड़ा सा और इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। अब इसमें हम ये मसाला डालेंगे। इस तरह हम समोसा तैयार कर लेंगे। अब समोसे हमारे रेडी हो गए हैं, अब इनको फ्राई करते हैं। फ्लेम हमने ऑन कर लिया और तेल भी हमारा गर्म है। अब हम समोसे फ्राई करते हैं, एक एक करके हम इसमें डालेंगे। हमने इसको हल्का लाइट ब्राउन होने के तक इसको ना फ्राई करना है। अब ये देखिए, हमारे समोसे बिल्कुल रेडी हो गए हैं, इनका कितना प्यारा कलर है। अब इनको हम निकालते हैं। समोसे हमारे रेडी, अब इसकी हम चाट तैयार करते हैं। प्लेट में हम दो पीस के समोसे रख देंगे, अब इनको हम हाथ से प्रेस कर लें। ये देखिए कितनी मज़े क्रिस्पी हैं। सबसे पहले हम इसमें ये दही डालेंगे, इसमें मैंने सिर्फ नमक डाल के मिक्स किया हुआ है, सादा दही है, ये डाल देंगे। अब इसमें हमने ये मैंने दही लिया है, इसमें मैंने जो ग्रीन चटनी तैयार की थी ना वो इसमें ऐड कर ली, मिक्स कर ली। अब ये इसके ऊपर डाल देंगे। अब थोड़े से हम इसके ऊपर टमाटर डाल देंगे और थोड़ी सी हम इसके ऊपर बंद गोभी डाल देंगे कटी हुई, और इसके ऊपर हम इमली की चटनी डाल देंगे। अब इसमें हम ग्रीन चटनी डाल देंगे और इसकी रेसिपी मैं लिंक में दे दूंगी। अब इसमें हमने ये चने बनाए ये डाल देंगे। ये जो इमली की चटनी है ये भी मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं लिंक में दे दूंगी, वो भी आप जाके देख सकते हैं। अब थोड़ी सी और इसके ऊपर मज़ीद डालेंगे और थोड़ा सा और डालेंगे इसके ऊपर, दही डालेंगे। चलो जी, हमारे ये समोसा चना चाट रेडी है, खाने के लिए रेडी है बिल्कुल। देखिए व्यूअर्स, ये कितना क्रिस्पी चाट हमारी रेडी हो गई। ये सारी चटनियाँ मैंने घर में तैयार की हैं, तो देखिए कितनी मज़े की बनती हैं। आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह अब रमज़ान में ज़रूर बनाइएगा और बहुत ही मज़े की बनने वाली। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।